झारखंड गठन के 19 साल बाद राज्य को मिलने जा रहा है अपना सचिवालय भवन। झारखंड की कार्य संस्कृति की नई पहचान, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। 23,60,000 वर्ग फीट एरिया में कुल 1238 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाले इस भवन में झारखंड सरकार के सभी 32 विभाग एक ही छत के नीचे होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ सभी मंत्रियों के कक्ष बनाए जाएंगे। नए सचिवालय की इमारत दो हिस्सों, पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक में बटी होंगी। अंडरग्राउंड के अलावा G+3 यानी कि 4 मंजिला इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर 2 ऑडिटोरियम, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और एक मीडिया सेंटर होगा। नया सचिवालय दिव्यांगजनों के आवागमन एवं प्रसाधन की सुविधाओं से युक्त होगा। सचिवालय भवन परिसर में बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस, रेलवे आरक्षण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र एवं शिशुपालना घर की भी व्यवस्था है। इसीलिए तो कहते हैं, जो न हुआ था अब तक वो रघुवर सरकार ने कर दिखाया है, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। ऐसा हुआ है पहली बार, क्योंकि झारखंड के विकास में जुटी रही हर पल रघुवर सरकार, रघुवर सरकार, रघुवर सरकार। ऐसे ही तो करती आई है अच्छे काम सच्ची सरकार, रघुवर सरकार।